हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल हु इन साइट दस एस बी यूट्यूब चैनल तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स की जो पार्ट वन है मैं वो ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूं सो ये हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू इसमें हम लोगों ने कॉमन वेल्थ एशियन गेम्स ये सब डिस्कस किए थे इसमें हम क्या करेंगे स्मॉल स्मॉल पोर्स लाइक क्रिकेट को स्पेसिफिकली डील करना उसके रिगार्डिंग यू नो स्टैटिक क्वेश्चन करना बिकॉज ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ देर इज अना वीडियो फॉर दैट प्लीज गो थ्रू इट ठीक है क्रिकेट फुटबॉल हर एक चीज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे इसके अंदर ताकि जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट हुए जो टाइप के वो सब कुछ हम इसमें देख लेंगे ठीक है तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन सो जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं फीफा से फीफा के अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुआ था फर्स्ट होस्ट हुआ था ये 1930 में दैट वाज इन यूरुग्वे कहाँ होस्ट हुआ था यूरुग्वे में फर्स्ट टाइम 1930 में इसके जो हेड हैं दैट इज इन स्विट्जरलैंड जुरिच में फीफा वर्ल्ड कप हर चार साल में खेला जाता है सिमिलर टू एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एट एक्सट्रा ठीक है तो इस साल भी ये होस्ट होने वाला है कहाँ होने वाला है कतर में ओके okay? एंड जो कतर में ये होस्ट होने वाला है उसका मैस्कट इज नाउ देयर सो मैस्ट क्या है इस बार लाइव जो है दैट इज अ मैस्कट ओके सबसे ज़्यादा आज तक सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है आज तक सबसे ज़्यादा टाइम जीत जिसने यू नो फीफा जीता है दैट इज ब्राज़ील ब्राज़ील जो है टोटल 19 वर्ल्ड कप में से आज तक कितनी बार जीत चुकी है टोटल फाइव टाइम्स जो है वो जीत चुकी है आउट ऑफ 19 ओके okay? एंड फीफा जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कतर में होने वाला है उसके अलावा ट्वेंटी सिक्स वाला भी हमें पता लग गया है कहाँ होने वाला है इट इज गोइंग टू बी को होस्टेड बाई थ्री नेशनस इसलिए इसको बोला गया है यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा और मैक्सिको मिल ये गेम को होस्ट करेगी ठीक है सो टिल अबाउ वी डिस्कस द फीफा अब हम डिस्कस करने वाले हैं फुटबॉल को इन इंडिया ओके सो इंडिया की जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका क्या नाम है उसका नाम है संतोष ट्रॉफी ठीक है अगर पूछे संतोष ट्रॉफी इज असोसिएटेड विद विच गेम तो क्या लिखोगे आप क्या माँ करके आओगे मीनू से फुटबॉल मार करोगे ओके इंडिया okay? की ओल्डेस्ट कौन सी है दुरंत कप जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट कप है ये स्टार्ट कब हुआ था स्टार्ट हुआ था एटीन में ठीक है नेक्स्ट जो है दैट इज़ की वर्ल्ड कप कौन कौन सी जो टीम्स हैं वो जीत चुकी है सिंस 1930 मैंने आपको बताया टोटल 19 वर्ल्ड कप हो चुके हैं सबसे ज़्यादा कौन जीती है ब्राज़ील उसके अलावा जो है टोटल एट कंट्रीज़ आर देयर ब्राज़ील के अलावा सेवन और टोटल एट ओके सो फ्रांस जर्मनी इटली स्पेन इंग्लैंड योगे ये सारी कंट्रीज़ हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रॉफीज कौन कौन सी है फुटबॉल की ठीक है सो so, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने वो डाली है उसके अलावा एक लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेज दिया प्लीज उसे चेक कर लेना और उसे अच्छे से याद कर लेना वहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है ठीक है रोवर कप इंडिया की है देन विटल ट्रॉफी सुब्रतो मुखर्जी कप संजय गोल्डन कप अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से एक तो है ये बीसी रॉय ट्रॉफी ठीक है उसके बाद ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ग्रे कप किस किस के बीच में होता है यूएसए एंड कनाडा के बीच में होता है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिर पूछ लेते हैं यूएफआर चैंपियनशिप जो होती है वो किन के बीच में होती है तो जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उनके वहां पर होती है ये ठीक है देन सुब्रत मुखर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट दुरंत कप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये मेजर ट्रॉफीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोग जानते होंगे गोल्डन बूट के बारे में है ना गोल्डन बूट क्या है एक्चुअली जो भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्स मारता है या फिर टॉप स्कोरर होता है टूर्नामेंट में पूरे उसको क्या मिलता है गोल्डन बूट मिलता है तो आज तक के मैक्सिमम गोल्डन बूट किसके पास है इट इज विद लियोनल मेसी ठीक है आप सब लोग जानते ही होंगे लियोनल मेसी को टोटल इनके पास कितने हैं सिक्स टाइम्स इन्होंने गोल्डन बूट जीता है ओके okay? इसके अलावा जो लियोनल मेसी हैं उन्होंने एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में दैट इज इन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना रखा है मोस्ट गोल्स का रिकॉर्ड बना रखा है मोस्ट गोल्स का कितने आज तक इन्होंने कितने फिफ्टी गोल्स का ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कि इन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाए इन अ सिंगल सीजन मैक्सिमम पॉइंट्स इन सिंगल सीजन कितने हैं हंड्रेड ठीक है हंड्रेड जो है पॉइंट्स बनाए हैं सिंगल सीजन में वेरी इंपॉर्टेंट अगैन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 2022 के जो अंडर 17 वेमेन वर्ल्ड कप होने वाला है ठीक है ये कहाँ होने वाला है इंडिया में होने वाला है इसका जो मैस्कट है वो क्या है ईबा है ठीक है ईबा क्या है इसका मैस्कट है तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अच्छे से याद कर लेना ओके okay? उसके अलावा है कि कौन से गेम कहाँ होने वाले ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का आप लोग जानते हैं दैट इज गोइंग टू बी यूनाइटेड ठीक है तो ये ऑलरेडी गेम्स हैं अच्छा टू थाउजेंड एटीन में किसने जीता है फीफा वर्ल्ड कप हु वन दिस मैच जल्दी से बताओ सो नाउ स्टार्टिंग विद द टेनिस हमारा फुटबॉल खत्म हो गया अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल मेल कैटेगरी में किसके पास है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था रफेल नडाल हैं ठीक है लेकिन पहले उनके पास कितने थे 21 थे अब कितने हो गए 22 टाइम्स ही हैज ऑलरेडी वन द ग्रैंड स्लैम टाइटल ओके अब बात करते हैं फीमेल में सबसे ज्यादा कौन है द आंसर फॉर द सेम इज मार्गरेट कोर्ट ठीक है इनके पास टोटल कितने हैं 24 एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो सरीना विलियम्स टोटल उनके पास कितने ट्वेंटी वन है ठीक है फर्स्ट एशियन जिनके पास तीन ग्रैंड स्लैम है शी इज द फर्स्ट वन टू गेट यू नो थ्री ग्रैंड स्लैम आंसर क्या है नोआामी ओसाका ये कहाँ की प्लेयर है शी इज फ्रॉम जपैन ओके इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ग्रांड स्लैम जीता है फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रलैम आंसर क्या है इसका महेश

उसको क्या कहते हैं गोल्डन स्लैम इसका जो आंसर है दैट इज वॉट स्टेफी गार्फ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि uh, जो रिस बेरी जीन किंग कप था उसका नाम चेंज करके फेड फेड कप कर दिया गया है और ये पूछा जा सकता है फेड कप किससे एसोसिएटेड है तो फेड कप इज एसोसिएटेड तो विद टेनिस उसके बाद नोवाक जोकोविक जो है ही बिकम द सेकेंड मैन जिसने 300 ग्रैंड स्लैम बना लिए हैं इससे पहले ओनली रॉजर फेडर यूज टू बी देर ठीक है अब कौन हो गए हैं नोवाक जोकोविक भी अब एड हो गए हैं द फर्स्ट वन टू डू सो क्या रहेगा ठीक है 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 और अब वन जो रहेंगे वो कौन नोवाक नोवाक जोकोविक नोवाल नहीं है प्लीज ध्यान देना नोवाक जोकोविक ओके कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिगार्डिंग टेनिस दैट इज चार ये ओपन जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विम्बलडन और यूएस ओपन ठीक है ध्यान देना है कब कब होते हैं सो so, जैन से फेब के बीच में आपके होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है मे से जून जो है उसके बीच में होते फ्रेंच ओपन फिर विम्बल्डन और फिर यूएस ओपन ठीक है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वो कब स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम तो वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे रखी है देन द नेक्स्ट थिंग इज कि कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं सो so देखो क्ले कोर्ट होता है दैट इज फ्रेंच ओपन और इसको रोनाल्ड गेरोस के नाम से भी जाना जाता है मैं ये तीन चार बार बढ़ा चुकी हूँ प्लीज इसको मत भूल जाना ठीक है इस बार जो जीता है रफेल नडाल ने जीता है सिंगल और जो अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करें तो ईगा सात्विक ने जीता है ठीक है फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है रफेल नडाल ने जीता है दिस इज हिज ट्वेंटी सेकेंड कौन सा है ट्वेंटी सेकेंड है एशले बाटी की बात करें सो एज अ वुमेन शी हैज वन द सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है नेक्स्ट जो है दैट इज नुवाक जोकोविक उन्होंने ग्रास वाला जो कोर्ट है उसमें जीता है ठीक है ग्रास वाला कोर्ट कौन सा है विम्बलडन और जो फीमेल कैटेगरी है अलीना ओके okay. ये वाले अभी तक हुए नहीं है आपके मैचेस क्यों क्योंकि अगस्त से सितंबर के बीच में होते हैं एग्जाम में नहीं आने वाले हैं सो लेट इट बी ये 2021 का डाटा गिवन है या 2022 का है सो so मेजरली आपको ये ही नाम याद रखने हैं दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम सीडीएस डी हो एफ कैट हो एनडीओ सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके बाद एफ कैट के लिए स्पेसिफिकली ये कोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है याद कर लेना कौन सा प्लेक्सिक्यूशन है कौन सा क्ले कौन सा ग्रा, ग्रास कौन सा डेकोटर ओके okay? इसके बाद जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जैसे मैंने आपको बताया सो हेमलेट कप इससे एसोसिएटेड है ठीक है मर्सिडीज़ कप जो है वो इससे एसोसिएटेड है डेविस कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है डेविस कप फर्स्ट टाइम कहाँ होस्ट हुआ था ठीक है इसके अलावा ये पूछा जा सकता है भी रिसेंट विनर कौन रहा है ठीक है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विन्स किसकी रही है ये सब प्लीज़ एक बार चेक कर लेना इतना एक्सट्रीम नहीं पढ़ाऊंगी सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगी बट ये आ सकता है उसके बाद जो ग्रैंड स्लैम्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जो चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं फिर होता है स्टीवन्स कप स्टीवन्स कप भी इसी से एसोसिएटेड है उसके बाद है हॉपमैन कप ये सारे इंपॉर्टेंट कप्स हैं ठीक है उसके अलावा बहुत सारे और हैं जो मैफ कैट के लिए आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दे चुकी हूँ पढ़ लेना नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हॉकी हॉकी हमारे लिए दो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो जो वर्ल्ड कप है हॉकी वर्ल्ड कप ठीक है ये जरूरी है और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इज ओलंपिक्स ठीक है क्यों बिकॉज ओलंपिक्स में हम काफी मेडल जीत चुके थे पहले सो दैट इज वाई दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट हम यही मेजरली डिस्कस करेंगे ठीक है इंडिया जो है उसने अपना फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब खेला था 1971 में जो है फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप खेला था और 1971 में ही जो हॉकी कप था वो पहली बार हुआ था ठीक है सो so, जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये जीता किसने था उस टाइम पे एक्चुअली स्पेन में ये मैच uh, हुआ था ठीक है जो इनग्रल 1971 में मैच हुआ था एंड जो लास्ट मैच खेला गया था दैट वाज बिटवीन पाकिस्तान एज एंड स्पेन ठीक है सो so, जो मैच जीता था दैट वाज बाय पाकिस्तान और जो स्पेन थी वो हार गई थी और एज सच अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा

इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में कब पार्ट लिया था सो इंडिया जो है उसने ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी टूर्नामेंट में पार्ट लिया था ठीक है सो एज अ हॉकी टीम मतलब इट वेंट एंड 1928 में दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड इसी बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कहाँ हॉकी में और इसके बाद ऐसा हुआ था कि लगातार छ गोल्ड मेडल एक साथ जीते थे उन्होंने मतलब हर बारी जो ओलंपिक गेम्स होते थे गोल्ड मेडल कौन लेके जाते थे इंडिया तो सिक्स टाइम्स बैक टू बैक जितने ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ही गोल्ड लेके आई थी ठीक है याद रहेगी ये बात और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अ, अंडर मनप्रीत सिंह अभी हम लोगों ने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता था ठीक है मनप्रीत सिंह क्या थे हमारे कैप्टन थे ठीक है अगर पूछे कि किससे रिलेटेड है हॉकी से रिलेटेड है इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार फ्लैग बैरर कौन रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में सो so, कॉमनवेल्थ गेम में भी मनप्रीत सिंह विद पीवी सिंधु क्या रहे हैं फ्लैग बैरर रहे हैं ठीक है, है जैसे मैं आपको बता चुकी हूं पाकिस्तान सबसे सक्सेसफुल टीम रही है हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टोटल कितनी बार जीत चुकी है फोर टाइम्स वो जीत चुकी है अब बात करते हैं कि थ्री टाइम्स कौन कौन टाइटल जीता है सो नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने तीन बार ये टाइटल जीते हैं इंडिया जो है उसने तो, जो टूर्नामेंट है वो आज तक कितनी बार जीता है ओनली वन तो इंडिया जो है उसने एक बार ही सिर्फ हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता है ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि ये जो टूर्नामेंट था वो कब जीता था 1975 में जीता था और पाकिस्तान को हराया था बाय टू वन और इस टाइम पे जो फाइनल में जो शॉट मारा था वो किसने मारा था अशोक कुमार ने अशोक कुमार जो हैं वो किन के बेटे हैं ध्यानचंद के ठीक है याद रहेगा हॉकी वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट जो होस्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन 2023 ट्वेंटी थ्री एंड दैट इज गोइंग टू बी इन इंडिया सो हमारे जो कंट्री है उसमें उड़ीसा के अंदर ये वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है सो वी आर ऑल गेयर्ड अप और इंडिया जो है फोर्थ टाइम ये गेम होस्ट करने वाला है ठीक है इससे पहले जो इंडिया है वो कब कब गेम होस्ट कर चुका है ट्वेंटी थ्री में भी होस्ट होने वाले हैं ना इससे पहले नाइनटीन एटी टू में मुंबई में हम लोगों ने होस्ट किया था ये पूछ सकते हैं कि पहले कहाँ होस्ट हुए हैं ठीक है टू हंड्रेड टेन में कहाँ न्यू डेली में होस्ट किए गए थे और अब टू थाउजेंड एटीन जो था वहाँ भुवनेश्वर में ठीक है भुवनेश्वर में होस्ट किए थे एंड अब जो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है ये कहाँ उड़ीसा के अंदर हम होस्ट करने वाले हैं याद रहेगा है? चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं विद कप्स एंड ट्रॉफ़ीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो रंगा स्वामी ट्रॉफी जो है ये नेशनल है ओके okay, कॉमा बेटन कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेहरू ट्रॉफी बहुत जरूरी है ध्यानचंद ट्रॉफी से तो नाम से ही पता चल रहा है आगा खान कप मतलब जितने मैंने इसमें डाले ना सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं सो इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही मन लेडी रतन टाटा ट्रॉफी यदुवेंद्र कप ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये ठीक ठाक है ये नहीं पूछे जाएंगे इतने ज्यादा ये वाले जो मैंने आपके मार्क किए इसके अलावा जो और सारे सारे जरूरी कप और कुछ है पोलो एसोसिएटेड है ठीक है थीके? उसके बाद ब्रिज वाले बहुत ज्यादा जरूरी हैं ठीक है रोइंग वाली जो वेलिंगटन ट्रॉफी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान ठीक है थॉमस कप और उबर कप गॉड दिस इज टू टू इंपॉर्टेंट इस बार हम लोगों ने आपको पता है थॉमस कप जीता है किसको हरा के जो सबसे ज्यादा टाइम चैंपियन रह चुके, जल्दी से नाम बताओ कौन सी कंट्री है ठीक है कितनी बार जीत चुके हैं थॉमस कप जो है ये याद रखना कि जो मेल है वो वाला टूर्नामेंट है इसमें सिर्फ मेन्स है और ऊबर कप जो है ये फीमेल ठीक है इट्स फॉर फीमेल एंड थॉमस कप इज फॉर मेल्स ओके बैडमिंटन टूर्नामेंट उसके बाद राइडर कप जो है दैट इज गोल्फ का ओके okay? उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वॉकर कप ये गोल्फ से एसोसिएटेड है ठीक है सो ये सारे देख लेना मोस्ट हियर उसके बाद पूछ लेते हैं नंबर ऑफ पीपल इन द पर्टिकुलर गेम ठीक है game, ये वाला क्वेश्चन भी आता है जैसे कि कितने टीम मेंबर्स होने चाहिए क्रिकेट में कितने होते हैं फुटबॉल में कितने होते हैं एक मैच में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं सो so, जो आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला है ये मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ ऑन टेलीग्राम सो प्लीज ये पीडीएफ से पढ़ लेना इसके अलावा जो निक नेम्स है ना ये मैं आपको भी पढ़ाने वाली हूँ लेकिन ये भी मैं आपको भेज चुकी हूँ तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनल हैं सो तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके निक बहुत ज्यादा जरूरी हैं सो तो जैसे विजर्ड ऑफ हॉकी किसे बोला जाता है या फिर द म्यूजिशियन किसको बोला जाता है ध्यानचंद को बोला जाता है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पयोली एक्सप्रेस ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को ठीक है उसके बाद सुपर मॉम किसे बोला जाता है एमसी सी मैरी कॉम को ब्लैक पर्ल पेले को बोला जाता है मिल्खा सिंह जो है उनको फ्लाइंग सिख बोला जाता है गोल्डन बॉय जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी रीसेंट अभी रीसेंट एडिशन है सो so, नीरज चोपड़ा को बोला जाता है उसके बाद जो हरियाणा हरिकेन है वो कपिल देव को बोला जाता है ये वाला प्लीज़ अवॉइड करना ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ठीक है सो दीज आर इम्पोर्टेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है देन लाइटनिंग किड या फिर विशी ये किसे बोला जाता है ये बोला जाता है विश्वनाथन आनंद को ठीक है विश्वनाथ आनंद को बोला जाता है किससे एसोसिएटेड है चेस से एसोसिएटेड है अवार्ड्स में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये राइट उसके बाद बोला जाता है इंडियन एक्सप्रेस पेज और भूपति को बोला जाता है ठीक है द वॉल बोला जाता है राहुल द्रविड को पंटर जो है वो पॉन्टिंग को बोला जाता है उसके बाद पॉकेट डायनमो जो है ये किसको बोला जाता है के डी जाधव को बोला जाता है ठीक है किंग ऑफ स्पिन कॉन है शेन वॉन है टाइगर मैक पटोदी को बोला जाता है टोर्पिडो यान थॉर्पे को बोला जाता है ठीक है so, सो ये सारे इंपॉर्टेंट निक नेम्स है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं एंड बहुत ज्यादा नेम्ड है मतलब दे हैव बीन टू द न्यूज एंड इज एंड हैव हैफॉर्म एक्सट्रीमली गुड उनके निक नेम्स याद कर लेना और भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो प्लीज मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर देना उन सबको ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें ओके नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट हु इज हु और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है प्लीज गाइज अच्छे से याद करे ना क्वेश्चन देखने को हंड्रेड परसेंट मिलेगा फर्स्ट इंडियन जिन्होंने विंबलडन जीता है रामनाथन कृष्णन एट नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर में उन्होंने जीता है जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ग्रैंड स्लैम किसने जीता है महेश भूपति ने ठीक है तो फ्रेंच वाला जो है वो उन्होंने जीता है विम्बलडन पूछेंगे तो नहीं महेश भूपति नहीं है रामनाथन कृष्णन है ठीक है फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैंड स्लैम मिला है ऑलरेडी बता चुकी हूँ महेश भूपति उसके बाद इंडियन वुमेन जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया आरती साहा ठीक है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने सेवन सीज को क्रॉस किया बुला चौधरी उसके बाद फर्स्ट वुमेन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स में ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कमलजीत संधू दूसरा वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस वाली वीडियो का उसमें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उसके बाद फर्स्ट वुमेन एथलीट जिनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल वो कौन है अंजू बॉबी जॉर्ज उसके बाद आता है कौन है जो बिलियर्ड्स में फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बनती है विल्सन जोन्स ठीक है पूछा जा सकता है कौन से गेम से एसोसिएटेड है उसके बाद उसके बाद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन रहे इंडिया के विश्वनाथन आनंद आप सब लोग जानते हैं देन द नेक्स्ट वन इज विजन लीडिंग क्रिकेटर जो फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट रहे थे कौन थे वीरेंद्र सहवाग फर्स्ट वुमेन जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था कर्नाम वलेश्वरी ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पार्ट वन में आप लोगों को ठीक है फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था सलीम दुर्रानी स्टार मार कर लो फर्स्ट इंडियन जिनको दो कॉन्जिक्यूटिव मेडल मिले हैं ओलंपिक्स में दैट इज सुशील कुमार ठीक है और फर्स्ट वुमेन कौन होती है इन द सेम कैटेगरी जल्दी से बताओ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन योर पार्ट वन वीडियो जल्दी बताओ फर्स्ट कौन बनी है फर्स्ट वुमेन हु गॉट टू कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक मेडल्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन जिनको रैंक किया गया है नंबर वन ओके सो द आंसर फॉर द सेम दैट इज इन बैडमिंटन चैंपियनशिप ओके तो आंसर क्या है साइना नेहवाल उसके बाद द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है दैट इज कन्नेरू हम्पी ठीक है ग्रैंड मास्टर टाइटल किस में मिलता है चेस में मिलता है ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर किसे मिला है परिमर्जन नेगी इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था यंगेस्ट वन जिन्होंने दो बार वर्ल्ड नंबर वन को हराया है उनका नाम बताना आप मुझे जल्दी से उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था मिहिर सेन इन नाइनटीन फिफ्टी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी कौन रहे हैं राहुल द्राविड ओके कमिंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ एफ कैट दैट इज़ क्रिकेट और क्रिकेट से हर बार क्वेश्चन आता है इस बार भी आएगा इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिकेट uh, के रिगार्डिंग उसको मैं लिंक कर दूंगी नीचे ठीक है दैट इज़ लाइक लास्ट टाइम आई मेड एंड इट्स प्रटी सिमिलर तो उसमें चेंजेस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दैट्स वाई प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो कंप्लीटली उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ जो कि पूछी गई है ऑलरेडी एग्जाम में दो बार पूछ चुके हैं ठीक है मैक ऑफ क्रिकेट किसे बोला जाता है जो लॉर्ड्स ग्राउंड है क्रिकेट का इन इंग्लैंड उसको बोला जाता है मैक ऑफ क्रिकेट ठीक है फर्स्ट टेस्ट मैच जो है टेस्ट मैच देखो अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं एक होता है आपका टेस्ट मैच एक होता है वनडे इंटरनेशनल ठीक है टी ट्वेंटी इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें गेम खेले जाते हैं जो टेस्ट मैच है फर्स्ट टाइम किसके बीच में खेला गया था इट वॉज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ओके एंड इट वॉज एट मेलबोर्न इन एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन जो मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है इस कप का एक स्पेसिफिक नाम है इसको बोला जाता है द एशेस ठीक है अगर पूछते क्वेश्चन की एशेज जो है किन दो कंट्रीज के बीच में खेला जाता है आंसर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ठीक है एंड अगर हम विनर की बात करें कि इस मैच का विनर कौन रहा था द आंसर फॉर द सेम इज ऑस्ट्रेलिया ओके Coming to the next one, that is 1975 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था इन वन डे फॉर्मैट और ये कहाँ खेला गया था लंडन में खेला गया था कौन सी टीम जीती थी बहुत जरूरी है वेस्ट इंडीज जो थी दैट वन दिस पर्टिकुलर मैच अब टेस्ट मैच की बात करते हैं अगर टेस्ट मैच फॉर्मैट में वर्ल्ड कप अभी तक ऐसा होता था वन डे टाइप में वर्ल्ड कप चल रहा था अब जो ये वर्ल्ड कप है टेस्ट मैच फॉर्मेट में 2019 में स्टार्ट हुआ ठीक है और ये कब तक होने वाला है इट इज गोइंग टू बी टिल 2022 ओके okay? जो ये स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड विद एशियज सीरीज इन द स्टार्टिंग और इसका जो फाइनल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन लॉर्ड्स इंग्लैंड में ट्वेंटी में ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट याद रहेगी ये चीज ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट हु इज हु ठीक है first, who who, जो फर्स्ट सेंचुरी है टी ट्वेंटी में वो किसने मारी थी क्रिस गेल ने मारी थी ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज और किसके अगेंस्ट मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चल रहा था ठीक है आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज वर्ल्ड कप में किसने मारी है रोहित शर्मा इंडिया से है ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा चांसेस है कि फिर से पूछा जाए ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितनी बाउंसर्स अलाउड है एक ओवर में अगर हम बात करें वनडे इंटरनेशनल मैचेस में और टेस्ट मैचेस में ठीक है वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में दो अलाउड है बाउंसर्स एट द सेम टाइम अगर टी ट्वेंटी की बात करते हैं तो सिर्फ एक अलाउड होती है ओके okay? उसके बाद जो फर्स्ट क्रिकेट मैच है वो कहाँ खेला गया था इट वॉज़ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा ये खेला गया था न्यूयॉर्क में एटीन में अब मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ दैट इज़ फर्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो कब खेला गया था 1975 में खेला गया था इंग्लैंड में और जो विनर रहे थे उस टाइम पे कौन सी रही थी वेस्ट इंडीज़ की टीम रही थी लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये जो वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला गया था ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था चार साल पहले ही ठीक it है फोर ईयर्स बिफोर इट सेल्फ इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड जो वुमेन है वुमेन फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था वो हुआ था कब 1973 में वेयर इट वाज होस्टेड इट वाज होस्टेड इन इंग्लैंड और विनर कौन रहा था विनर भी इंग्लैंड ही रहा था ठीक है होस्ट भी इंग्लैंड ने किया था विनर भी इंग्लैंड रहा था ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट है कि फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी किसने बनाई है आज तक ब्रेंडन मैकेलम जो है न्यूजीलैंड से उन्होंने बनाई है और फास्टेस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी किसने बनाई है एबी दे बेलारस ने ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ स्टामीज अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इंडिया जो है वर्ल्ड कप जो है कितनी बार जीत चुका है वो दो बार जीत चुका है आज तक ठीक है फर्स्ट जो उन्होंने जीता था दैट वाज इन 1983 और जो सेकंड जीता है दैट इज़ इन 2011 ये जो मैच था हम लोगों ने किसके अगेंस्ट जीता था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम लोगों ने जीता था ये वाला जो मैच था हमने किसके अगेंस्ट जीता था श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि इस टाइम पर कैप्टन कौन कौन थे तो इस टाइम पे कैप्टन जो थे कपिल देव थे नाइनटीन में और टू में कौन थे एम एस धोनी ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना प्लीज कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ट्रॉफीज ट्रॉफीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लेना ऑलरेडी मैं आपको द एशेज बता चुकी हूँ रणजी ट्रॉफी बता चुकी हूँ ठीक है उसके बाद ईरानी कप दियोधर कप दीज आर ऑल द इंडियन ट्रॉफीज ओके देन विजय हजारे ट्रॉफी इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट उसके बाद एशेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है हर दो साल में होता है ठीक है नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जो इंडियन कैप्टन रह चुके हैं ओके सो फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम जो टेस्ट टीम के कैप्टन रह चुके हैं इंडियन ओके ये सारे मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन एंड फर्स्ट कैप्टन टेस्ट टीम के उसके बाद हम बात करेंगे वन डे इंटरनेशनल के ओके okay? उसके बाद हम बात करेंगे टी ट्वेंटी के ठीक है फर्स्ट फर्स्ट कैप्टन सबके डिस्कस कर लेते हैं टी ट्वेंटी के देखो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुए थे है ना इट स्टार्टेड आफ्टर टू थाउजेंड ओनली सो आंसर क्या है वीरेंद्र सहवाग आप लोगों को पता ही होगा इसका वन डे इंटरनेशनल जो है बहुत पहले से चल रहे हैं तो ऑफकोर्स द नेम विल बी सम वॉट पुराने जो हमारे प्लेयर्स थे तो अजीत वाडेकर तो प्लीज़ ये भी ना ओमिट आउट कर सकते हो कि सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते इसमें है ना इसमें दो एम एस धोनी नहीं हो सकते उसके बाद टेस्ट टीम और भी पहले की बात चल रही है तो इसमें कौन सी के नायडू कौन सी के नायडू अच्छा आप लोगों ने सुना होगा सी के नायडू करके एक ट्रॉफी भी आती है कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी तो ये किससे एसोसिएटेड होगी जल्दी बताओ दिस इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विथ क्रिकेट इट है ना सो द आंसर विल बी क्रिकेट हि उसके बाद जो भी मैंने आपसे टी ट्वेंटी डिस्कस किया था है टी ट्वेंटी जो वर्ल्ड कप जो फर्स्ट टी ट्वेंटी हुआ था वो किसके बीच में हुआ था 2007 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ओके okay? मैं वर्ल्ड कप की बात कर रही करूँ ध्यान दो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आई एम नॉट आस्किंग यू द फर्स्ट मैच ऑफ टी ट्वेंटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और जीता कौन था इंडिया वॉज द विनर एंड पाकिस्तान क्या था रनर अप था ओके okay? uh, अब मैं अगर फर्स्ट मैच की बात करू ना आपसे तो फर्स्ट जो मैच हुआ था इन टी ट्वेंटी फॉर्मैट तो ये जो मैच हुआ था दिस वॉज बाय द विमेन टीम दैट इज इन टू थाउजेंड फोर ओके और फर्स्ट अगर मैंस में बात करूँ कि मैच कब हुआ था द आंसर फॉर द सेम इज़ 2005 ये मैच खेले गए थे लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात होती है सो वर्ल्ड कप फर्स्ट टी ट्वेंटी जो वर्ल्ड कप था दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2007 इसके अलावा मैं दोबारा याद दिला देती हूँ प्लीज़ में एक शोर जो क्रिकेट वाली एक वीडियो है उसे अच्छे से देख लेना मैं इसका लिंक जो है आपके लिए नीचे डाल दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे पहले हाइलाइटेड फॉर्म में वही होगा उस लिंक पे क्लिक कर लेना और वो वाली वीडियो देख लेना प्लीज़ ओके okay? नाउलेरस बिगिन विद द टर्म्स अब देखो टर्म्स जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर टू द एग्जामिनेशन जो टर्म्स हैं वो हर एक गेम के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं जैसे स्नूकर है ये सब के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा इसकी मैं आपको एक पी डी एफ टेलीग्राम पर भेज दूंगी ऑलरेडी बहुत सारी भेज चुकी हूँ इनकेस ये लिंक आपका काम नहीं करा आप सिंपली टाइप कर सकते हो इन साइट एस एस बी ऑन टेलीग्राम एंड यू बी एबल टू सी आर चैनल ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की दैट इज़ कि जो क्रिकेट के टर्म्स है वो डायरेक्टली पूछते हैं उसके मीनिंग ठीक है तो हमारे लिए मीनिंग पता होने जरूरी है इसलिए जो जितने भी क्रिकेट वाले टर्म्स हैं उसके मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी ठीक है लेट स्टार्ट विद इट सो पहले हम एक बार छोटी सी ड्रॉइंग बना लेते हैं आप सब लोग जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल दिस एज अ स्ट ओके एंड इसके ऊपर यहाँ क्या रखे होते हैं बेल्स रखे होते हैं क्या रखे होते हैं बेल्स ठीक है सो बेल्स समझ आ गया क्या होते हैं दीज आर टू आइटम्स दैट आर कैप्ड ऑन स्टम्प ओके और जब भी कभी बैट्समैन बॉल आउट होता है ठीक है जब भी वो कभी बोल्ड आउट होता है तो ये जो बेल्स हैं ये गिरने चाहिए ठीक है सो देन इट इज नोन एज बॉल्ड आउट अब इसके आगे आपको पता है छोटा सा वॉर्न आउट एरिया होता है है ना दिस इज अ वन आउट एरिया दैट इज देयर इस वन आउट एरिया को क्या बोला जाता है रफ बोला जाता है वाई बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ग्रास वगैरह नहीं होती है यहाँ पे जो द पर्सन ही स्टैंड ईयर और जब भी वो कभी रन ले रहे होते हैं यहाँ पे एक लाइन होती है इन द सेम वे यहाँ पे जो बॉलिंग साइड होती है वहां पे भी सेम चीज अवेलेबल होती है ओके okay? इसके बीच में ये एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रास होती है ठीक है एंड देन द होल एरिया दैट इज देयर ऑन द साइड समझ आ गया अब हम स्टार्ट करेंगे बीमर से बीमर क्या होता है जब भी कभी इस तरीके से एक फास्ट बॉलर यहाँ से बॉल फेंकता है यूजुअली क्या होता है ऐसे करके ऐसे जाती है बॉल है ना हिट करती है नीचे बाउंस करती है यहाँ क्या होता है जो बॉल है वो डायरेक्टली जाती है बाउंस नहीं करती इस बॉल को क्या बोला जाता है बीमर बोला जाता है बेल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया डॉली क्या होता है अगर किसी फील्डर ने कोई बहुत ही ईजी कैच पकड़ ली उसको क्या बोलते हैं अरे दिस वॉज तो जस्ट अ डॉली ओके देन द नेक्स्ट वन इज एज एज क्या होता है जब भी कोई बैट है ओके okay? अगर बैट से लग के जो बॉल है वो विकेट कीपर पकड़ ले यहां से लगी जस्ट थोड़ा सा टच हुआ ओके okay? या तो सिर्फ विकेट कीपर पकड़ ले या फिर इट इज कॉल्ड बाय द स्लिप्स दैट टाइम इट इज नोन एज वॉट एज या फिर स्निक ठीक है सो so बेसिकली क्या है जब बॉल टच कर जाए किसको साइड ऑफ बैट को ठीक है एंड जो भी मतलब विकेट कीपर वगैरह उसे पकड़ ले इसको क्या बोलते हैं एज या फिर स्नेक बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है मेडन मेडन ओवर आपने काफ़ी बार सुना होगा मेडन ओवर क्या होता है जब कोई भी रन स्कोर ना किया गया नो रन स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर ओवर ठीक है सो so, उस ओवर को क्या बोलेंगे मेडन ओवर बोलेंगे पावर प्ले क्या होता है पावर प्ले होता है जो आपने थर्टी यार्ड सर्कल देखा होगा ओके okay? जैसे देर इज दिस थर्टी याड सर्कल यहाँ पे बीच में हम लोग खेलते हैं ओके okay. सो so, इस थर्टी याड सर्कल में अगर दो फील्डर इस थर्टी आर्ड सर्कल से बाहर अलाउड है ठीक है दो फील्डर अलाउड हैं बाहर थर्टी आर्ड सर्कल से जो थर्टी याड वाला सर्कल है तो क्या होता है इसमें किसको फायदा होगा देखो बाहर ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आराम से एंड फोर्स मार सकते हैं किसको फायदा होगा बैटिंग साइड को बेनिफिट होगा ठीक है तो जो बैटिंग साइड पावर प्ले लेगी तो ये सिचुएशन होगी एट द सेम टाइम जब चार फील्डर्स बाहर अलाउड हो जाए फोर फील्डर बाहर अलाउड हो तो इसमें किसको फायदा होगा बॉलिंग साइड को तो ये पावर प्ले किसका हो जाएगा ये बॉलिंग साइड का हो जाएगा समझ आ गया दोनों को बेनिफिट मिलता है दो फील्डर जो है बाहर होते हैं थर्टी आर्ट सर्कल के तो उसमें फायदा होता है बैटिंग साइड को और चार अलाउड होते हैं तो बॉलिंग साइड को अच्छा ये कौन से फॉर्मेट में है ओडीआई में है टी ट्वेंटी में है या फिर टेस्ट मैच में है जल्दी बताओ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन अपील अपील क्या होती है जब भी कभी बॉलर जो है वो शाउट करे एम्पायर uh, को बोले कि अरे दिस बैट्समैन आई जस्ट यू नो उसको मैंने बॉल uh, आउट कर दिया ठीक है सो दैट केस इज नोन एज वॉट दैट इज़ नोन एज अ पील ओके देन आता है एल बी डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है लेग बिफोर विकेट ठीक है जब भी कभी यहाँ पर अगर कोई खड़ा है एंड बैट्समैन uh, के जो गेयर है उस पर कहीं पर भी पैड्स पर जैसे जो पैर होते हैं ना आपने देखा होगा जैसे दिस इज़ द लेग एंड यहाँ पर पैड्स होते हैं और इस पर हिट की बॉल ओके okay? और कुछ इस तरीके से हिट होती है आपने देखा होगा वो बना के देखते हैं कि ऐसे एक बॉल यहाँ से गई और फिर क्या वो अगर पैड को टच किया तो वो यहाँ से निकल रही है या वो यहाँ से निकल रही है अगर यहाँ से निकल रही होगी ठीक है अगर उसने अपना पैर आगे लगाया ओके okay, तो उसको क्या बोलते हैं एल बी डब्ल्यू आउट लेकिन अगर स्टम्प इसको मतलब पैड को टच किया और अगर उसका ट्रेजेक्ट्री देखें कि वो इस साइड में कहीं जा रहे तो एल बी डब्ल्यू आउट नहीं होता है ठीक है सो बेसिकली इट इज सीन लाइक दिस देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ देयर बाइज क्या होता है जब भी कभी बॉलर देखो इसमें एक लिमिट होती है आप कहाँ तक बॉल सकते हैं ठीक है so ball, okay? so अगर no बॉल कब -कब? No तो सीधी जो है बाहर गई एंड उसके बैट्समैन जो है उनको टच नहीं हुई है मतलब ना उनके बैट को ना उनकी किसी बॉडी गेयर को तो उस कंडीशन में क्या होता है अगर ये सीधी पीछे गई और ये जो फील्डर थे वो भी नहीं पकड़ पाए तो उस केस में क्या होता है फोर चला गया फॉर एग्जाम्पल है ना तो वो कंसिडर किए जाएंगे वो रन ओके okay? तो इनको क्या बोला जाता है बाइज और अगर कुछ इस तरीके से गई कि बिल्कुल ही सीधी गई हो है ना स्ट्रेट तो ऐसा तो पॉसिबल यूजुअली नहीं होता है कि सीधा इतनी तेज मारा कि वो सिक्स ही पहुंच गया नॉट अ यूजुअल थिंग दैट कैन बी सीन यूजुअली ऐसे में क्या होता है फोर uh, जो रन है वो यूजुअली ऐसा क्या होता है फोर्स जो होते हैं वो होते हैं इस चीज में तो ऐसे पीछे जाती है सीधा एंड पीछे फिल्डर नहीं पकड़ पाए इन दिस केस इज दिस इज नोन एज अ बाइज ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज डक वर्थ लुइस मेथड डक वर्थ लुइस मेथड क्या होता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं टारगेट स्कोर बैटिंग टीम का अगर कोई भी ऐसा सीन uh, होता है कि वेदर खराब हो गया एटसेक्ट्रा तो ये जस्ट एक मेथड है कि कैलकुलेट कर सके रन को ठीक है दैट्स इट नेक्स्ट जो है दैट इज गली गली क्या है ये एक तरीके की फील्डिंग पोजिशन है जो कि ऑफ साइड में होती है एंड इट इज बिटवीन पॉइंट एंड द स्लिप्स ठीक है एक फील्डिंग पोजिशन है बस इतना याद कर लो दैट इज बिटवीन दैट इज टूवर्स द ऑफ साइड और बिटवीन क्या होती है पॉइंट एंड स्लिप अच्छा अगर किसी को मतलब पता है पॉइंट एंड स्लिप का जल्दी से ना कमेंट कर देना ताकि और बच्चों को भी फायदा हो जाए ठीक है वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मूविंग अहेड गोल्डन डक गोल्डन डक क्या होता है जब भी कभी बैट्समैन फर्स्ट बॉल में आउट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है गोल्डन डक बोला जाता है ठीक है रफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं आउट सेक्शन जो होता है पिच का ठीक है सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स प्लीज़ प्लीज मेक श्योर कि आप इन सबको अच्छे से रिवाइज करें ठीक है जितना भी है तो इसके साथ पार्ट वन खत्म होता है पार्ट वन रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना कॉमन वेल्थ एशियन गेम सब कुछ उसमें कवर्ड है ठीक है सो ऑल द बेस्ट गाइड की वर्किंग स्मार्ट ऑल्सो आई एम गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू गिव टेस्ट यू नो के नॉट पे फॉर इट सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थ्री टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन एनसाइट एस एस बी एप ऑन विच डेट साइड एस एस बी एप पे आप लोगों को ये अवेलेबल रहेंगे और ये तीन चार दिन तक अवेलेबल रहेंगे आप लोग इसको जाकर और यूज़ कर सकते हैं जिनके ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट को भी एग्जाम है दे कैन गो ट्वेंटी सिक्स को कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन को भी कर सकते हैं ट्वेंटी एट को भी कर सकते हैं इट्स ओके ठीक है सो यू गाइज कैन गो एंड चेक दीज टेस्ट विल भी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी इसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पर भी भेज दूंगी सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहाँ पर आकर चेक कर लें और ये जो लाइव होगा दैट विल बी ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट टेन ए एम ये वाले जो टेस्ट हैं आपके लिए लाइव हो जाएंगे सो प्लीज मेक श्योर कि जाके और इन टेस्ट को यूज करो और अपना लेवल देखो कि प्रेपरेशन कैसी है ठीक है सो ऑल द बेस्ट गाइड कीप वर्किंग स्मार्ट आखिरी का कुछ टाइम बचा है सिर्फ रिविजन में टाइम डालो ठीक है ये रिविजन वीडियोज इसीलिए लॉन्च करूँ कि जो भी पढ़ाओ और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को मिल जाए अभी आखिरी मोमेंट पर ताकि आपको इधर उधर भटक के सब कुछ रिवाइज ना करना पड़े बस ये वीडियोज देख लो यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे ठीक है सो so, इसी के साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पचास क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊँ जिसमें हम प्रॉपर रिविजन करें एक लाइव सेशन ले लूँ तो अगर चाहते हो तो कमेंट कर दो प्लीज़ एक बार अगर मुझे एटलीस्ट टू एटलीस्ट हंड्रेड कमेंट्स मिल जाते हैं इस पर तो मैं ये लाइव सेशन कंडक्ट कर दूँगी ठीक है